जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि लेकर के आया हूँ दोस्तों, घर पर हर्बल नेचुरल डाई बनाने का तरीका। क्या आप बाल काले करने के लिए डाई या केमिकल युक्त हानिकारक कलर इस्तेमाल करते हैं? शायद आप नहीं जानते ये आपके बालों के लिए कितने हानिकारक हैं और साथ में ये आपकी त्वचा और स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे आपके बालों के गिरने, पकने और गंजेपन की शिकायत हो सकती है। तो आप भारतीय ज्ञान की मदद से घर पर ही बनाएं अपने लिए बाल काला करने की सुरक्षित हर्बल और देशी डाई और अपने बालों और त्वचा को बचाइए इन हानिकारक पदार्थों से। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री: सूखी पीसी मेहंदी 20 ग्राम, कॉफी पाउडर 3 ग्राम, कत्था 3 ग्राम, ब्राह्मी चूर्ण 10 ग्राम, आंवला चूर्ण 10 ग्राम, दही 25 ग्राम, नींबू का रस 4 चम्मच। हमने जितनी भी सामग्री बताई इन सभी को आप कूट पीस कर एक में मिक्स कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार मिलाकर रख लीजिए। बाद में 50 ग्राम मिश्रित पाउडर में 25 ग्राम दही और 4 चम्मच नींबू का रस मिलाकर बालों में आधे घंटे तक लगा कर रखें, फिर पानी से धो लीजिए। इसके प्रयोग से बाल काले, घने तथा मुलायम हो जाएंगे। कई बार पहली बार में तुरंत काले बाल नहीं होते, तो जब आप 3-4 बार इसको नियमित करेंगे तो आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले दिखने लगेंगे। इसके साथ में आप बाल धोने के लिए घर पर ही बनाया हुआ शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करें। अगर छोटी उम्र में ही आपके बाल झड़ने, पकने या सफ़ेद होने लग गए हैं तो आप अपनी नियमित खुराक पर जरूर ध्यान दें। भोजन में नियमित मिनरल्स और फोलिक एसिड को शामिल करें। कलौंजी: काले बालों के लिए एक टिप्स और लीजिए। कलौंजी को तवे पर खूब गर्म कीजिए, जब ये जल जाए फिर उसे पीस कर राख बनाइए। इसी क्रम में एक कढ़ाई में सरसों का तेल 1/2 किलो खूब गर्म कर फिर इसे ठंडा करके उसमें कलौंजी के राख मिला लें, कपड़े से छान कर शीशी भर लें। बाल काले होने के साथ साथ झड़ना भी रुक जाता है इससे दोस्तों, गंजे के भी बाल आने की संभावना हो जाती है इससे। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार हम आप सब से मिलेंगे एक और नए टॉपिक पर।